वेलकम टू प्योर कुकिंग। आज मैं आपको हैदराबादी मशहूर चिकन दम बिरयानी की रेसिपी दे रही हूँ। तो चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो चिकन ले लिया है। इसे सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे, तो इसके लिए मसाले देख लेते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, सॉल्ट टू टेस्ट लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी ली है, हाफ टी स्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया है, क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला लिया है, 2 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट लिया है, 1 नींबू का रस लिया है, ये 3 डली प्याज है। इसे मैं बारीक स्लाइस करके तल के इस चिकन के मैरिनेशन में डालूंगी, और ये कोरिएंडर लीव्स है। तो चलिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसमें मैं ये सारे मसाले ऐड कर दूंगी। गरम मसाला भी ऐड कर दूंगी। तो हम चिकन के मैरिनेशन में दही भी ऐड करेंगे। तो 1 किलो दही, 1 किलो गोश्त के लिए मैं यहाँ 1/4 किलो दही ऐड करूंगी इसमें। अच्छे से इसे मिक्स कर दो। लाइटिश नहीं। तो चिकन अच्छे से, चिकन पे मैंने मसालों को लगा दिया है। इसमें मैं नींबू का रस ऐड कर दूंगी। अब मैं इन प्याजों को स्लाइस करके के तल लूंगी और इस मैरिनेशन में ऐड करूंगी। तो प्याज को मैंने इस तरह से पतला पतला स्लाइस कर लिया है। अब मैं इसे फ्राई कर लूंगी। तो प्याज को लगातार हिलाते हुए हमें लाल फ्राई करना है। तो देखिए ये बिल्कुल रेडी है। इसे हमें जल्दी जल्दी लगातार चलाना होगा, वरना ये जल जाएगी। तो प्याज को मैंने प्लेट में निकालकर ठंडा करने के लिए रख दिया है। अब हम इस चिकन में इस गरम तेल को, जिसमें हमने प्याज तला था, चिकन दम बिरयानी के लिए इससे बहुत जरूरी है। इसमें हम थोड़ा सा कश्मीर भी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो प्याज अब ठंडी हो चुकी है, इसे मैं इस तरह से तोड़ दूंगी पूरी प्याज को। अब मैं इस मैश करी हुई प्याज को बिरयानी में ऐड कर देती हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा चिकन मैरिनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो चिकन मैरिनेशन कंप्लीट हो चुका है, तब हम चावल की तरफ चलते हैं। तो चिकन 1 किलो लिया है मैंने, तो बासमती चावल भी मैंने यहाँ 1 किलो लिए हैं। इसमें डालने के लिए मैंने हसबे जायका नमक लिया है, थोड़ा पुदीना, थोड़ा कोथमीर, ये 2 तेज पत्ते हैं, ये थोड़ी सी सिनेमन स्टिक ली है मैंने, आधी, 3 इलायची है, 1/8 टी स्पून शाजीरा है और 4 लौंग है। तो चलिए मैं चावल को धोकर प्रिपरेशन शुरू कर देती हूँ। तो जो बिरयानी के दम में सामान लगेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने तली हुई प्याज बचा ली है, ये थोड़ा कुथमीर है, ये पुदीना है, ये असली घी है, और ये 1 नींबू का रस है, इसी में मैंने रंग को मिला लिया है। तो बिरयानी के चावलों को पकाने के लिए हमने यहाँ पानी गर्म कर लिया है। अब हम इसमें पुदीना ऐड कर देंगे, तेज पत्ता, सारे गरम मसाले और कोथमीर ऐड कर देंगे और नमक भी। अब बिरयानी के पानी में उबाल आ चुका है। अब मैं इन धुले हुए चावलों को बिरयानी के चावल पानी में ऐड कर दूंगी। अब मैं इन चावलों को बिरयानी में ऐड कर दूंगी।
अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन चावलों को हमें चार कनी आने तक पकाना है। तो इस तरह से चावल पक रहे हैं, देखिए। तो इस तरीके से चावल में चार कनी होनी चाहिए, यानी दाना चार टुकड़े हो जाना चाहिए। ये चावल अब बिल्कुल रेडी है। अब मैं इन चावलों को निथार लूंगी। अब हमने चावलों को निथार लिया है, ये मैरिनेशन हम इसमें डाल देते हैं सबसे पहले। अब हम इसे इवन कर देंगे। अब हम इसमें चावल डाल देंगे सारे। हम बीच की परत में, बीच की लेयर में थोड़ा सा हरा मसाला और प्याज डाल देंगे। आखिरी परत बिछा देते हैं, यानी आखिरी चावल की लेयर बिछा देते हैं। हम थोड़ा हरा धनिया और पुदीना डाल देते हैं, और जो ये नींबू का रस मैंने कलर में मिलाया है वो भी मैं डाल दूंगी, और असली घी भी डालूंगी। तब इसका ढक्कन लगा देंगे हम। इस तरीके से दम देंगे। इसके ऊपर वजन रख देना है। स्टोव की फ्लेम को 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर रखना है। तो हम दम के लिए इस पे थोड़ा सा वजन रख लेंगे, और स्टोव की फ्लेम हम 10 मिनट के लिए फुल रख देंगे, और 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे इस बिरयानी को दम दे देंगे। तो 20 मिनट हो चुके हैं और हमने स्टोव की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब मैं आपको बिरयानी को डिश आउट करके, तो 20 मिनट हो चुका है, मैंने स्टोव की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब बिरयानी दम हो चुकी है, मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ बिरयानी को। तो तैयार है चिकन दम बिरयानी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो इसे बहुत सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस रेसिपी को, कमेंट कीजिए मेरी रेसिपी पे, और सब्सक्राइब कीजिए प्योर कुकिंग चैनल को। और मैं आपको दूसरी रेसिपी में मिलती हूँ। बाय।